बिहार में जाति आधारित गणना कराने के निर्णय को लेकर आज जदयू द्वारा नालंदा में आभार यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान से आभार यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस आभार यात्रा में पूरे शहर का भ्रमण कर जदयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना राज्य सरकार के खर्चे पर कराने का निर्णय लिया गया है, जो ऐतिहासिक के साथ साथ लोगों के कल्याण के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि गणना के बाद समाज के पिछड़े एवं हाशिए पर रहने वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार योजना बनाएगी। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधान पार्षद रीना यादव भी मौजूद थी। देश में पहला राज्य बिहार है जहां राज्य के संसाधन से जनगणना कराने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री ने, इसलिए आभार प्रकट करते हैं। अब गणना होने के बाद जब फलाफल आएगा तो जो समाज पिछड़ा हुआ रहेगा, जो समाज हाशिए पर रहेगा, जो समाज काफ़ी पीछे रहेगा, उसको बढ़ाने के लिए सरकार योजना बनाएगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब के तरफ से, नालंदा वासियों के तरफ से, बिहार वासियों के तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने सब लोग एकजुट होकर के झंडा बैनर लगा करके मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम सब लोग आभार प्रकट करते हैं और बिहार की जनता का जो फायदा होगा, लाभ होगा, आने वाले दिनों में इसका फलाफल।